एमपी में ठंड की दस्तक, भोपाल जबलपुर में तेजी से लुढ़का पारा, क्या दशहरे से पहले निकालने पड़ेंगे कंबल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में बारिश से राहत मिलते ही ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, कहीं कहीं कोहरा नजर आने लगा है। रविवार को कई जगहों पर पारा 20 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। मंडला जिले में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल में भी रविवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मंडला सबसे ठंडा, गुना सबसे गर्म। मंडला में 15 डिग्री सेल्सियस, रीवा में 15.2, उमरिया में 15.4, मलचखंड में 15.5, छिंदवाड़ा में 15.9, रायसेन में 16.2, जबलपुर में 16.5, भोपाल में 16.9, बैतूल में 17, ग्वालियर में 17.6, इंदौर में 20.3 डिग्री सेल्सियस और भोपाल में 16.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं सबसे ज्यादा तापमान गुना में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उज्जैन संभाग के जिलों में काफी गिरावट दर्ज की गई। मंडला सबसे ठंडा, गुना सबसे गर्म। मंडला में 15 डिग्री सेल्सियस, रीवा में 15.2, उमरिया में 15.4, मलचखंड में 15.5, छिंदवाड़ा में 15.9, रायसेन में 16.2, जबलपुर में 16.5, भोपाल में 16.9, बैतूल में 17, ग्वालियर में 17.6, इंदौर में 20.3 डिग्री सेल्सियस और भोपाल में 16.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं सबसे ज्यादा तापमान गुना में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उज्जैन संभाग के जिलों में काफी गिरावट दर्ज की गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।